वो सत्य धाम का वासी जब इस सृष्टि पर आता है तो जब सारी सृष्टि तामसी बन जाती है, मनुष्य मात्र तामसी बन जाता है, पशु पक्षी जानवर सब तामसी स्टेज को प्राप्त करते हैं, तब इस सृष्टि पर आता है और आने के बावजूद भी उसके ऊपर तामस का संग का रंग नहीं लगता, वो सदा सता सात्विक स्टेज में रहता है। सात्विक स्टेज में रहने के कारण उसके संग के रंग में जो भी आत्माएं रंगती है वो सब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती और तेजी से बनती। कनेक्शन जोड़ने की बात है, कनेक्शन जोड़ने के लिए वो अपना स्वरूप बताता है, वो बताता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ लेकिन जन्म मरण के चक्र से न्यारी हूँ, मैं अभोक्ता हूँ और तुम आत्माएं भोक्ता हो, मैं अकाल मूर्त हूँ जिस मूर्ति में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ या जिन मूर्तियों में भी मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ उनको संग के रंग से ऐसी स्थिति वाला बना देता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत उन मूर्तियों को खलास नहीं कर सकती, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि प्रकृति के पांच तत्वों से भी वो मुकाबला कर सकती है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है सारी सृष्टि में विकराल स्टेज होती है, एटमिक विस्फोट होते हैं, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भी वो मूर्तियां जिनमें परमात्मा प्रवेश करता है अचल और अडोल रहती है। अभी भी ऐसे होता है कभी कभी, कहीं कहीं भूकंप आते हैं ढेर सारे मर जाते हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यशाली आत्माएं ऐसी बसती हैं जिनको खरौंच तक नहीं आती और मलबे के अंदर से साबित निकल आती है। तो ऐसी ही वो आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा बाप का संग का रंग प्रैक्टिकल में लगता है। अब कोई कहे प्रैक्टिकल में संग का रंग कैसे लगता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। भले जन्म मरण के चक्र में नहीं आता लेकिन जैसे मनुष्यों की बनाई हुई गीता में लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाते हैं, वो भूत प्रेत तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं लेकिन सुप्रीम सोल को अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, वो तो सदा ही ज्योति बिंदु है जिसे ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं पूजा करने की सुविधा के लिए। वो ज्योति बिंदु शिव मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करता है। कौन सी मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करता है, कोई में भी प्रवेश करेगा क्या? वो भूत प्रेत होते हैं क्या कोई में भी प्रवेश कर जाते हैं क्या? उनका भी मुकर्रर घोड़ा होता है। अब सुप्रीम सोल परमात्मा तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आत्मा, वो शिव की तो दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बनाकर पूजा होती है, तो वो तो जरूर श्रेष्ठ आत्माओं में ही प्रवेश करेगा या दुनिया की निष्कृष्ट आत्माओं में प्रवेश करेगा? श्रेष्ठ आत्मा